आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। वार्ड नंबर 13 से गोपाल प्रसाद ने नामांकन का पर्चा भर दिया। देख सकते हैं तस्वीरों में इनके साथ इनके समर्थन में काफी लोग आए हुए हैं। अभी गांधी मैदान के पास हम मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी फर्स्ट प्राथमिकता क्या है। गोपाल जी, टीडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन कि आप चुनाव जीतिए। धन्यवाद। जिस तरीके से आप एक जेंट्स कैंडिडेट हैं और अगर आप चुनाव जीतते हैं वार्ड परिषद से, तो आपकी फर्स्ट प्राथमिकता क्या होगी? हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी कि मैं अपने वार्ड की जो जन समस्या है उसको निदान करने का कोशिश करूंगा। कोशिश ही नहीं, उसमें मैंने जी जान लगा कर मेहनत करूंगा और मॉडल वार्ड जो हमने पास कराया था 2007 में उसको, उस काम को फिर आगे बढ़ाऊंगा। सर, आप पहले से वार्ड पार्षद हैं क्या? 2007 से 12 में हम पार्षद रहे हैं जी। और फिर चुनावी मैदान में आए, फिर जनता के डिमांड पर मैं पुनः वार्ड में जा रहा हूँ। क्योंकि जो भी वहाँ के वार्ड पार्षद अभी फिलहाल में है उनसे जनता संतुष्ट नहीं है, आपसे पहले संतुष्ट था? भाई, जनता तो कभी किसी से संतुष्ट हो ही नहीं सकता है, है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है सर, जिस तरीके से आप काम किए हैं जनता फिर इस बार मौका दी है आपको, जनता बोल रही है कि आप खड़ा होइए, हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, और आपके काम से संतुष्ट होगी तभी तो आपको दोबारा मौका देने के लिए बोल रही है जनता। तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि जनता, जितना हमने काम किया था आप उस समय का आंकड़ा उठा लीजिए, पटना नगर निगम में सबसे ज़्यादा हमने काम किया था, उसके बाद अगर वोट ज़्यादा आया समीकरण में हम हार गए थे उस समय। जिस तरीके से सर नल जल का समस्या हर एक हो गया था। जी जी, जिस तरीके से नल जल का समस्या हर एक जगह हर एक वार्ड में चल रहा है, लगभग यही ज़्यादा समस्या है, तो उसको सुधारने का आप काम करेंगे? भाई, नल जल और बिजली ये तो सरकार के साथ निश्चय में शामिल है, अगर उसके बाद अगर अभी तक काम नहीं हुआ है तो यानी भेदभाव किया गया है लोगों के साथ। बिल्कुल। तो मैं उस काम को आगे बढ़ाऊँगा और वार्ड नंबर 13 को पटना नगर निगम के नंबर वन वार्ड बनाने का मैं संकल्प लूंगा। कुछ और समर्थन में आप बताइए कैसे, कितना सपोर्ट करेंगे? बहुत मतों से जिताएंगे इनको। आप बताइए भैया, इनके समर्थन में आए हैं क्या कहेंगे? इनके समर्थन में आए हम यही कहेंगे कि जो विकास, भाई भारी मतों से विकास विजय होगी और जो विकास रुक गया था वो विकास फिर से शुरू हो जाए। आप बताइए भैया। बहुत अच्छे भाई साहब चलते हैं, हम लोग समर्थन में इनका आए हैं। आप बताइए। हाँ, बसे जाए सब बड़ा बढ़िया काम किए हैं सब। बढ़िया काम किया, आगे भी बढ़िया। हाँ, आगे। हाँ हाँ विश्वास। हाँ, आप बताइए, आप बताइए चाचा। सभी बहुत बढ़िया काम करते हैं, इतना वार्ड पार्षद कोई भी टाइम नहीं देता है। पहला बात है कि मुख्य सवेरे से प्रेजेंट में वार्ड पार्षद नहीं भी है लेकिन वार्ड पार्षद से ज़्यादा काम करते हैं जी। कि कोई भी गरीब आ जाए, इतना वार्ड पार्षद कोई भी टाइम नहीं देता है। पहला बात है कि मुख्य सवेरे से प्रेजेंट में वार्ड पार्षद नहीं भी है लेकिन वार्ड पार्षद से ज़्यादा काम करते हैं जी। कि कोई भी गरीब आ जाए, कोई भी आवे, कोई मदद के लिए चाहिए, उनको सहायता मिलता है। तो देख सकते हैं कि इनके जनता समर्थन में है और साफ तौर पे जनताओं का कहना है कि अगर ये अगर इस बार चुनाव जीतते हैं तो जिस तरीके से आगे काम किए हैं इस बार भी काम करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे टीडी न्यूज़। धन्यवाद।